नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ सोशल वर्क SOSW, बैचलर ऑफ सोशल वर्क BFSW, हिंदी, सेमेस्टर एक, BSW 121 व्यावसायिक समाज कार्य और इसके मूल्य, खंड एक व्यावसायिक समाज कार्य का परिचय, इकाई एक समाज कार्य अवधारणाओं का परिचय एक 1.0 उद्देश्य। इस इकाई में हम विभिन्न अवधारणाओं जो कि व्यावसायिक समाज कार्य प्रशिक्षण और अभ्यास के संबंध में प्रयुक्त होती है पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, उनका अर्थ स्पष्ट करेंगे और उनकी परिभाषाएं प्रस्तुत करेंगे। इस इकाई के अंत में आप सक्षम होंगे विभिन्न अवधारणाओं, उदाहरणार्थ परोपकार, स्वैच्छिक क्रिया, श्रमदान, समाज सुधार, सामाजिक आंदोलन और सामाजिक संजाल नेटवर्क का अर्थ जानने में, वर्क का अर्थ हो इन अवधारणों को परिभाषित करने में, इन अवधारणाओं और अन्य संबंधित अवधारणाओं जहां कहीं आवश्यक हो के बीच भेद करने में, और समाज कार्य के अध्यापन और अभ्यास के लिए इन अवधारणाओं का अभिप्राय समझने में। प्रस्तावना। समाज कार्य अपेक्षाकृत एक नया और सामाजिक रूप से कम मान्यता प्राप्त व्यवसाय मुख्यतः इस कारण से है कि इसके परिणामों में सहज प्राप्ति की दृश्यता को प्रमाणित करने की क्षमता नहीं है जो इसके अभ्यास का अनुकरण करते हैं। इस अक्षमता के पीछे सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण है कि सामाजिक संबंधों का व्यावसायिक अभ्यास सहायता के मुख्य साधन के रूप में उपयोग जो अपनी यथार्थ प्रकृति से अमूर्त है। इस अभ्यास सहायता का मुख्य संबंध समाज में लोगों की व्यक्तित्व संरचना और सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था में परिवर्तन करने के साथ है और वे दोनों भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं है। व्यवसाय के अभिनय विकास के कारण विभिन्न शब्दों जो कि कक्षा में अध्यापन, समाज कार्य में शोध करने और समाज में आवश्यकताग्रस्त लोगों के साथ व्यवसाय के व्यवहार करने के दौरान प्रयोग किए जाते हैं के विषय में अत्यधिक भ्रम की स्थिति है। चूंकि प्रभावी व्यावसायिक व्यवहार उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं के भावों की स्पष्टता की मांग करता है, यह आवश्यक हो जाता है कि उन्हें स्पष्ट और परिभाषित किया जाए तथा समाज कार्य में प्रयोग की जाने वाली समाज अवधारणाओं या अन्य समाज विज्ञानों जैसे समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में प्रयोग की जाने वाली जिनसे समाज कार्य ने अत्यधिक ज्ञान ग्रहण किया है के बीच भेद को प्रकट किया जाए। कुछ विचारणीय पृथक पृथक अवधारणाएं इस प्रकार हैं: दान, श्रमदान, सामाजिक क्रिया, सामाजिक प्रतिरक्षा, सामाजिक न्याय, सामाजिक आंदोलन, सामाजिक संजाल, सामाजिक नीति, समाज सुधार, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सेवाएं, समाज कल्याण और समाज कार्य। 1.2 परोपकार, स्वैच्छिक क्रिया और श्रमदान। प्रायः परोपकार को, विशेष रूप से भिक्षा देने को भी समाज कार्य माना जाता है जो सही नहीं है। शब्द परोपकार, जैसा कि वेबस्टर्स इंसाइक्लोपेडिक कैम्ब्रिज डिक्शनरी 1996:248 में परिभाषित किया गया है, निर्देशित करता है कि भौतिक पुरस्कार की आशा किए बिना परोपकारार्थ क्रियाएं, भिक्षा देने के रूप में या आवश्यकताग्रस्त लोगों के लिए कोई अन्य प्रकार की परोपकारी क्रियाएं करना। संपूर्ण विश्व के अधिकांश धर्मों ने दान का आवश्यक नैतिक गुण के रूप में समर्थन किया है जिसका उनके अनुयायियों को धारण करना चाहिए। इसको पुष्ट करते हुए मुजीब 1968:324 लिखते हैं, प्रत्येक धर्म दान की आज्ञा देता है और दान के कुछ स्वरूप सभी धर्मों के अभ्यास में एक अत्यावश्यक तत्व है। हिंदू धर्म दान को पवित्र करता है। दान के विषय में अति प्राचीन उल्लेख प्राचीनतम ऋग्वेद में खोजा जा सकता है जिसमें ईश्वरीय शक्ति देने हेतु भगवान शंकर की अत्यधिक स्तुति की गई। दान को बढ़ावा देते हुए यह उल्लेख करता है 1.13:2 कोई हो सकता है जो सबसे अधिक चमक देता है। सभी हिंदू धर्म ग्रंथ बिना भ्रम के परोपकार के प्रभाव का समर्थन करते हैं जिसका प्रत्येक गृह स्वामी द्वारा निश्चित रूप में और सामाजिक रूप से स्वीकृत प्रत्येक हिंदू द्वारा ऋण, विभिन्न प्रकार के ऋणों जिनसे प्रत्येक हिंदू अनुग्रहित होता है, चुकाने के लिए कर्तव्य को पूर्ण करने के रूप में गौरवान्वित है। किंतु इस बात के लिए सावधान किया गया है कि दान उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो इसके लिए योग्य हो। अत्रि संहिता स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि एक अयोग्य व्यक्ति जो सहायता प्राप्त करता है चोरी करता है और जो व्यक्ति उसे सहायता देता है वह उसे चोरी में सहारा देता है। प्रायः ब्राह्मणों, ज्ञानार्जन के प्रति गंभीरता से समर्पित विद्यार्थियों और अशक्तों सहित मनुष्यों को उपयुक्त व्यक्तियों के रूप में समा जाता था। प्राचीन बाइबल ने परोपकार पर अत्यधिक जोर दिया है। यहूदियों ने ईश्वर की आज्ञा का पालन करने और आवश्यकताग्रस्तों की देखभाल के लिए निर्देश किए हैं। जूडिम में पड़ोसियों के लिए स्नेह का समर्थन एक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में किया गया है। ईसाई धर्म स्नेह द्वारा बंधुता का समर्थन करता है।
कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति के पास सांसारिक वस्तुएं हैं जिनकी इसे इच्छा है, और वह देखता है कि उसका भाई अभाव में है। यदि वह गुप्त रूप से हृदय से अपने भाई के विरुद्ध है, हम कैसे कह सकते हैं कि आपने मुझे भोजन किया, मैं प्यासा था और आपने मुझे पेय दिया, मैं परदेशी था और आपने मेरे लिए आवास का प्रबंध किया, मैं वस्त्रहीन था और आपने मुझे वस्त्र पहनाए, मैं बीमार था और आपने मेरी देखभाल की, और मैं एक कैदी था और आप मेरे पास आए, मुझ पर विश्वास किया। जब आपने यह मेरे भ्रातगणों के अल्पतम एक व्यक्ति मथाई 1:9-6:8, 1:8-2:2। इस्लाम में परोपकार का वर्णन प्रार्थना के समतुल्य के रूप में किया गया है। मुजीब 1968-324 लिखते हैं, प्रत्येक मुसलमान के रूप में व्यक्ति का प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। यदि यह निर्धारित न्यूनतम संपत्ति अधिकृत किए हुए है तो उसे सार्वजनिक कोष बैत अलमाल के लिए अंशदान भी अवश्य देना चाहिए। बाध्यकारी भुगतानों से पृथक मुसलमानों के ऊपर दानशीलता, अतिथि सत्कार, भूखे को भोजन कराना और यात्रियों के लिए सुख साधनों का प्रबंध करना दायित्व के रूप में लादा गया है, जो कि लगभग बंधन के रूप में है, जैसे कोई धार्मिक आदेश। विशेष अवसरों पर मुसलमान लोग अपने मित्रों, संबंधियों और गरीबों के बीच मिठाइयाँ, फल और यहाँ तक कि धन भी बांटते हैं। इस्लाम के 5 मूलभूत सिद्धांतों में से एक भिक्षा देना है और वक्फ दान के उद्देश्य हितो संपत्ति का न्योछावर करना मुस्लिम कानून का एक महत्वपूर्ण भाग है। जकात, फित्र, सदका या खैरात दान से संबंधित इस्लाम की प्रसिद्ध अवधारणाएं हैं। जकात के अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को उसकी वार्षिक आय का 40वां भाग दान पर व्यय करना आवश्यक होता है। यह अल्लाह का भाग होता है। फित्र के अंतर्गत वे जो सोना, आभूषण, मकान या किसी भी प्रकार की बहुमूल्य संपत्ति रखते हैं, उन्हें उनकी बचत के 25% की दर से भुगतान करना आवश्यक है, जो कि गरीबों और आवश्यकताग्रस्त लोगों के बीच वितरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को इसके प्रत्येक सदस्य के लिए 3.5 किग्रा के हिसाब से गेहूं दरिद्रों के बीच वितरित करना आवश्यक है। सदका या कैरात भिक्षा है, जिस प्रत्येक व्यक्ति अपनी कामना या इच्छा के अनुसार दे सकता है। ठीक इसी प्रकार से अक्विका जैसे प्रथम बार बच्चे के बालों को मूड़ना महत्वपूर्ण संस्कारों पर एक धार्मिक मुसलमान को लड़की के मामले में 1 बकरा या लड़के के मामले में 2 बकरों की बलि अवश्य देनी चाहिए और उसके मांस को 3 भागों में बांटना चाहिए और 1 भाग गरीबों में बांटना चाहिए तथा 1 भाग संबंधियों के बीच बांटना चाहिए। केवल 1 भाग को रखते हुए पारिवारिक सदस्यों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। यहाँ तक कि बकरों की खाल की बिक्री की आमदनी और बच्चे के बालों के वजन के समतुल्य नकद या चांदी गरीबों के बीच वितरित की जानी चाहिए। पारसी धर्म के अनुयायी जाराथुसत्रा का अनुसरण करने वाले और भारत में साधारणतया पारसियों के रूप में जाने जाने वाले उश्ता अहमाई यहमाई उश्ता केहमाईचित गाथा उश्तावैती में विश्वास करते हैं, जिसका अर्थ है सुख उसके पास होता है जो दूसरों को सुख देता है। पारसियों की पंचायतों और अंजमनों तथा पारसी न्यासों ने भी गरीबों और दीन दुखियों की सहायता के क्षेत्र में एक प्रशंसनीय कार्य किया है। देसाई 1968-328-34। सिख इतिहास ईश्वर की प्रसन्नता या ईश्वरीय कृपा के लिए किसी संप्रदाय या धार्मिक विश्वास पर विचार किए बिना संपूर्ण मानवता के प्रति स्वैच्छिक सेवा के असंख्य उदाहरणों से परिपूर्ण है। गुरु नानक देव ने स्पष्ट रूप से कहा है, वह जो संसार में दूसरों की सेवा करता है ईश्वर के दरबार में एक आसन प्राप्त करता है। गुरु गोविंद सिंह ने एक राजाज्ञा प्रकाशित की, जिसके अनुसार प्रत्येक सिख को अपने समुदाय के पक्ष में अपनी आय का 10वां भाग दसावंध त्याग करना आवश्यक है। सिंह 1968-334-340। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के गरीबों और दन दुखियों के लिए करुणा का समर्थन किया है, जहां से सभी प्रकार का दान उत्पन्न होता है। दान चाहे नकद में हो या वस्तु के रूप में, समाज कार्य से इस अर्थ में भिन्न है कि पहले अस्थाई सहायता में परिणत होता है और प्राप्त करने वाले को दान देने वाले पर आश्रित बना देता है, परंतु इसकी जड़ें हालांकि दान में निहित है,
यह लोगों के मध्य स्वयं सहायता के लिए क्षमता का विकार या तो उन्हें सेवाएं देते हुए या अवरोधक और हरण करने वाली सामाजिक व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन उत्पन्न करते हुए करता है। स्वैच्छिक क्रिया। कष्ट से पीड़ित भाई बंधुओं के प्रति करुणा मानव प्रकृति का एक स्वाभाविक गुण है। यह एक सहज मानवीय प्रेरणा है। यह इस आधारभूत आवेग के कारण से है कि लोग अपनी इच्छा से निरंतर आगे आते हैं और विपत्ति में व्यक्तियों की सहायता का प्रबंध करने हेतु राजी होते हैं। यदि हम लोगों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं तो हम स्पष्ट रूप से पाते हैं कि इन आवश्यकताओं को विस्तृत रूप से भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। लोग मात्र अपनी आत्मवास्तविकीकरण और उपरिलिखित सभी नैतिक और आध्यात्मिक विकास जिसके लिए वेदान के वितरण का सहारा लेते हैं और विभिन्न प्रकार की सहायता का प्रबंध करते हैं। सामान्यतः यह उनकी परोपकारिता की स्वाभाविक अनुभूति, संपूर्ण मानव जाति या कम से कम उनके स्वयं के समाज के सदस्यों की सेवा करने की निष्ठा और समर्पण के कारण है कि लोग अपने सहायता के हाथ आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों के लिए बढ़ाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि पूर्ण निस्वार्थता के साथ हो। निश्चित रूप से प्रायः यह दान या समाज में उत्पीड़ित और दमित व्यक्तियों के प्रति अन्य प्रकार की सहायता के माध्यम से बचाव द्वारा उनकी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग जाने की इच्छा या जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाने के कारण होता है कि लोग स्वयं को स्वैच्छिक क्रिया में सम्मिलित करते हैं। तथापि वे जो दान देते हैं या जो सहायता वे उपलब्ध कराते हैं या जो सेवाएं वे देते हैं उसके लिए कोई मूर्त वस्तु की अपेक्षा सामान्यतः नहीं करते हैं। स्वैच्छिक क्रिया वह है जो लोगों द्वारा स्वेच्छापूर्वक उनकी स्वयं की मनोकामना और अभिलाषा के परिणाम स्वरूप किए गए कार्य के बदले में किसी भी प्रकार की मूर्त वस्तु की प्राप्ति की अपेक्षा किए बिना करुणा की स्वाभाविक अनुभूति और दूसरों के कल्याण के संबंध रखने के कारण उनकी स्वयं की इच्छा और अनुरूपता के आधार पर की जाती है। दूसरे शब्दों में यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता या सेवा है जो लोग अपनी करुणा की अनुभूति के कारण वैयक्तिक रूप से या सामूहिक रूप से दूसरों की सहायता, विशेष रूप से वे लोग गरीबी, खराब स्वास्थ्य, निष्क्रियता, निरक्षरता, दमन, अत्याचार, दुर्व्यवहार, शोषण इत्यादि के पीड़ित होते हैं, के लिए उपलब्ध कराते हैं। स्वैच्छिक क्रिया प्रमुख रूप से निम्नलिखित के द्वारा गुणयुक्त है। एक, सभी संभव तरीकों द्वारा दूसरों की सहायता और उनके कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वाभाविक प्रेरणा मौद्रिक रूप से जरूरी नहीं। दो, सहायता दिए जाने के बदले में कोई वस्तु की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार की अपेक्षा का लोप होना। तीन, सामाजिक संबद्धता की समझ और आवश्यकता में दूसरों को सहायता का पूर्वाभिमुखीकरण। चार, मानवता के लिए सेवा की श्रेष्ठ निष्पत्ति में विश्वास। पांच, एक व्यक्ति के अधिकार के विषय में एक व्यक्ति और कर्तव्य की प्रमुखता में विश्वास। कदाचित बहुत से स्रोत है जो स्वैच्छिकवाद को सरिदृढ़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ नैतिक धार्मिक उपदेश स्वैच्छिक सेवा को उपलब्ध कराने के लिए अभिप्रेरण को शक्तिशाली बना सकते हैं। इसी तरह कुछ लोकोपकारी धर्मार्थ संगठनों के अनुकरणीय कृत्य मानवीय दरिकों की सहायता के लिए अनुभूति को तीव्र कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ विभत्स घटनाएं या त्रासदी पीड़ितों के लिए कुछ करने की अनुभूति उत्पन्न कर सकती है। माता पिता, शिक्षकों, संतों द्वारा सिखाया गया नीति शास्त्र और अन्य आदर्श व्यक्ति भी एक व्यक्ति को कुछ प्रकार की परोपकार संबंधी कार्यों के लगने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। इस भौतिक संसार की नश्वरता और इसके सृष्टिकर्ता की अनंतता के बोध कारण आध्यात्मिकता का विकास दूसरों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए त्याग का अनुभव करने और भौतिक वस्तुओं के अधिपत्य को छोड़ देने की एक इच्छा को उत्पन्न कर सकता है। श्रमदान, स्वैच्छिक शारीरिक श्रम। अधिकांश लोगों में श्रमदान को समाज कार्य का नाम देने की प्रवृत्ति है जो कि सिरे से गलत और भ्रामक है। श्रमदान की उत्पत्ति हिंदी भाषा में हुई है। यह दो शब्दों श्रम, शारीरिक श्रम, और दान, दान देना, से मिलकर बना है। दोनों शब्दों को एक साथ मिलाने पर इसका तात्पर्य है
कि भवन निर्माण या निर्माण वृक्षारोपण के कार्य के कुछ प्रकारों के माध्यम से सामूहिक भलाई को बढ़ावा देने हेतु स्वैच्छिक रूप से श्रम करने का कृत्य श्रमदान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। शारीरिक श्रम, स्वेच्छापूर्वकता, सामूहिक और सहकारी रूप से प्रयास करना, कुछ सामान्य जनता की भलाई को बढ़ावा देना या कुछ सामान्य जनता के हितों की सुरक्षा। सारे विश्व में, विशेष रूप से भारत में लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए साथ साथ कार्य करने की एक बहुत स्वस्थ परंपरा है। सामाजिक उद्विकास की प्रारंभिक अवस्था में जब जीवन अत्यंत कठोर था क्योंकि लोगों को केवल विभिन्न प्रकार की ऋतुओं का ही सामना नहीं करना पड़ता था बल्कि सभी प्रकार के जोखिमों विशेषतः पशुओं और विषैले सर्पों से बचाव भी करना होता था। परिष्कृत औजार और साधन उपलब्ध नहीं थे और लोगों को अपनी वास्तविक उत्तरजीविता के लिए स्वैच्छिक रूप से अपने श्रम का योगदान करते हुए साथ साथ कार्य करना पड़ता था। यह या तो चट्टानों का तोड़ना या विस्थापन करना था या फिर यह घने जंगलों के बीच संकीर्ण मार्गों के निर्माण हेतु झाड़ियों की कटाई था या जानवरों का शिकार उनका मांस खाने के लिए या नालों और नदियों के ऊपर काम चलाऊ पुलों का निर्माण या किन्हीं नदियों के तट पर तटबंधन अथवा बोध का निर्माण या पीने के पानी के उद्देश्य से कुओं या तालाबों की खुदाई करना या यात्रियों के लिए उन्हें आराम हेतु समर्थ करने के वास्ते मार्गों के किनारे आश्रय स्थानों का निर्माण या सामुदायिक उत्सवों के लिए भोजन पकाना, स्वैच्छिक शारीरिक श्रम अनिवार्य था। इस प्रकार की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से जारी रही जब तक कि सामुदायिक जीवन भ्रातृभाव या एकरूपता की अनुभूति के साथ या समुदाय का सदस्य होने के द्वारा विशिष्ट गुण युक्त था और उनके द्वारा किए गए कार्य के बदले में क्षतिपूर्ति के लिए श्रम को किराए पर लेने के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों के निष्पादन के माध्यम से लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के उत्तरदायित्व को राज्य द्वारा समाज की एक संसार के रूप में ग्रहण करने तक यहाँ तक कि वर्तमान में असंख्य उदाहरण है जहाँ की लोग समूह में एकत्रित होकर लोगों के जीवन और जीवन निर्वाह की दशा में सुधार को उत्पन्न करने के लिए संभवतः सड़कों, नहरों, सिंचाई के साधनों, नालियों इत्यादि के निर्माण के माध्यम से या तालाबों, कुओं, कूड़ा खाद के गड्ढों इत्यादि की खुदाई के माध्यम से या नदियों, झीलों, तालाबों इत्यादि के बांधों अथवा तटबंधनों के निर्माण अथवा मरम्मत के माध्यम से या सामुदायिक झोपड़ियों, सरायों, धर्मशालाओं इत्यादि के निर्माण के माध्यम से अपने शारीरिक श्रम के योगदान द्वारा साथ साथ कार्य करते हैं। वस्तुतः सरकार ने इस प्रकार के कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल कैडेट कोर इत्यादि को विशेष रूप से श्रम की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने और इसको युवकों के व्यक्तित्व के एक भाग के रूप में अंतर्निवेशन करने के एक प्रयोजन के साथ प्रारंभ किया है। जहां लोगों की परिस्थितियों को बेहतर बनाने हेतु वह क्षेत्र जिसमें कि उन्होंने कार्य करने का निश्चय किया है, शिक्षित युवकों से उनका स्वैच्छिक शारीरिक श्रम अपेक्षित है। निर्विवाद रूप से श्रमदान सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से स्वैच्छिक शारीरिक श्रम का एक विशाल भंडार सुलभ होता है जो अंततः निश्चित उपलब्धियों के अनेक प्रकारों में चरम बिंदु पर पहुंचता है। तथापि यह समाज कार्य से भिन्न है, न केवल उद्देश्यों के विशेष ढंग से बल्कि पद्धतियों और प्रविधियों के अतिरिक्त दर्शन के विशेष ढंग से भी श्रमदान कुछ ठोस कार्य की कुशल प्राप्ति का उद्देश्य रखता है, विशेष रूप से लोगों के समूह के शारीरिक श्रम के स्वैच्छिक एकत्रीकरण करने के द्वारा जो कि जनता की भलाई के लिए किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व जो उन्होंने लिया है के बदले में किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करते हैं। इसका आधारभूत दर्शन है सहबंधुओं के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक व्यक्ति का अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का कर्तव्य। इसी प्रकार उल्लेखनीय कर्तव्य जिसे शारीरिक श्रम लोगों के व्यक्तित्व और संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के भी विशुद्ध बहुमुखी और समन्वित विकास में निभाता है। श्रमदान के विपरीत समाज कार्य एक विशेषीकृत प्रकृति का क्रियाकलाप है जिसके प्रभावशाली निष्पादन के लिए जान के एक विशिष्ट निकाय के अतिरिक्त तकनीकी कौशल भी आवश्यक होता है।
इसके लक्ष्यों में व्यक्ति की समाज में सामाजिक क्रिया में सुधार करना या सामाजिक व्यवस्था में इच्छित परिवर्तनों को उत्पन्न करना ताकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रकार की अवांछनीय पीड़ा या रुकावट से वशीभूत हुए बिना स्वयं के सामर्थ्य की अनुकूलतम उपलब्धि के लिए अवसरों को प्राप्त करे। इसी प्रकार जो समाज उससे अपेक्षाएं करे और उसके लिए योगदानों को उत्पन्न करना और न्यायोचित प्रतिफल आर्थिक मानसिक और सामाजिक प्राप्त करना है। यह प्रजातांत्रिक और मानवीय दर्शन पर आधारित है जो समानता न्याय स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को सुदृढ़ करता है और जो सभी के कल्याण को बढ़ावा देता है, जैसा कि हमारे महान संतों और ज्ञानियों ने हजारों वर्ष पूर्व समर्थन करने के द्वारा कल्पना की थी। सभी प्रसन्न रहे, सभी रोगों से मुक्त रहे, सभी कुशल रहे और कोई भी दुखों को न भोगे। 1.3 सामाजिक आंदोलन और समाज सुधार। सामाजिक आंदोलन प्रजातंत्र का वर्तमान युग वैधानिक रूप से अनुगेय एवं सामाजिक रूप से वांछित कुछ भी करने के माध्यम से एक स्वतंत्र शालीन एवं सम्मानित जीवन व्यतीत करने के माध्यम से अपने जीवन में सुधार लाने हेतु व्यक्तियों को आश्वासन देता है, जिससे व्यक्ति व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से अनेक प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन बहुत सामान्य और स्वाभाविक हैं। परंतु सामाजिक आंदोलन शब्द को सामान्यतः विभिन्न सामाजिक क्रियाकलाप करने वालों राजनीति विज्ञान वैज्ञानिकों समाजशास्त्रियों इत्यादि के द्वारा भिन्न भिन्न रूप में प्रयोग किया गया है। दियानी 1992 के कथन से स्पष्ट है कि वस्तुतः शब्द में प्रयोग के विषय में एक सन्निहित अनुभवसिद्ध सहमति का पूर्णतया अभाव है। एक सामाजिक आंदोलन शब्द सामाजिक पूर्ण संगठन का लक्ष्य रखते हुए सामूहिक क्रिया के विभिन्न प्रकारों को सम्मिलित करता है। साधारण रूप से सामाजिक आंदोलन श्रेष्ठ तरीके के प्रतिस्थापित नहीं है और विशिष्ट या व्यापक परिवेदनाओं की ओर निर्देशित स्वतः विरोध प्रकटन से उत्पन्न हुए हैं। एम्बर कामबी हिल एवं टर्नर 1986 197 पॉल विल्किंसन 1971-27 के शब्दों में एक सामाजिक आंदोलन किसी भी साधन द्वारा उग्रता अवैधता क्रांति या आदर्शवादी समुदाय में परावर्तन को न छोड़ते हुए किसी भी दिशा में परिवर्तन को बढ़ावा देने हेतु एक सुविचारित सामूहिक प्रयत्न है। सामाजिक आंदोलन को व्यवस्थापन की एक न्यूनतम मात्रा अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए, भले ही यह व्यवस्थापन के एक असंगठित अनौपचारिक या आंशिक स्तर से उत्कृष्ट रूप से प्रतिस्थापित या दफ्तरशाही तरीके से व्यवस्थित आंदोलन और निगमित समूह तक फैला हो सकता है। एक सामाजिक आंदोलन की परिवर्तन के लिए वचनबद्धता और इसके व्यवस्थापन के निर्धारण के कारण चेतन संकल्प आंदोलन के लक्ष्यों के प्रति आदर्श वचनबद्धता या अनुयायियों अथवा सदस्यों की ओर से विश्वास और सक्रिय सहभागिता पर आधारित है। मैंकेडम एटल एवं अन्य वीणा दास संपादित 2003-1525 में उल्लिखित 1988 के अनुसार सामाजिक आंदोलन सामूहिक सामाजिक और राजनैतिक परिदृश्य के एक असमान प्रतिबिंब की ओर संकेत करता है, जैसे विषय जातीय क्रांतियां धार्मिक संप्रदाय राजनीतिक संगठन या एकल विषम अभियान या उपनिवेशरोधी मुकाबला और कथित बाहरी व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध। मेडेन 1995-1253 के शब्दों में एक सामाजिक आंदोलन बड़ी संख्या में लोगों के संगठित होने के द्वारा गैर संस्थापित साधनों के जरिए विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन को प्रभावित करने या सामना करने के लिए सम्मिलित विश्वास के माध्यम से एक संगठित प्रयास करना है। फक्स और लिंकेम्बिक 2003-1525 के अनुसार एक सामाजिक आंदोलन सामाजिक मान्यता की प्राप्ति और अधिकारों के दावे या एक समूह या लोगों की श्रेणी के बारे में अस्तित्व प्रकट जो जब तक अस्वीकृत थे के लिए सामूहिक स्वयं संगठन का स्वरूप ग्रहण करना है। यह खतरे के विरुद्ध मुकाबला करने या एक समूह के अथवा लोगों की श्रेणी के अधिकारों और अस्तित्व के आधार में कार्यरत रहता है।
यहाँ हम सामाजिक आंदोलन को समाज में परिवर्तन उत्पन्न करने हेतु जिसे वे अपने सामान्यतः विचारित आदर्श मानदंडों के साथ अनुरूपता में एक उपयुक्त और गौरवशाली जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के विषय में अनुकूल और आवश्यक समझते हैं, कोई सुविचारित और लोगों द्वारा किसी संस्थागत संरचना को स्थापित किए बिना सामूहिक कार्य करने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। एक सामाजिक आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं हैं। एक, विद्यमान सामाजिक संरचना और व्यवस्था से कुछ प्रकार का उत्पन्न असंतोष या अत्यधिक उपेक्षित हितों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए आवश्यकता या कुछ नवीनीकरण को प्रारंभ करने हेतु चिंताकर्षण या एक पृथक सामाजिक पहचान के लिए मान्यता प्राप्त करने की इच्छा जिसका लोग लंबे समय तक आनंद ले सके और जिसका वे खतरा महसूस कर सकते हैं। दो, सामान्य उद्देश्य और कुछ प्रकार के संगठनों के प्रति समान रुचि रखने वाले लोगों के प्रयासों के माध्यम से सामूहिक कार्य प्रारंभ करने के लिए वचनबद्धता और समर्पण के प्रति जागरूकता। तीन, जैसी कि कार्यक्रम सारिणी निश्चित की गई हो, कुछ निरूपित या रूपरेखित योजना के अनुसार एक या अन्य प्रकार की गतिविधि पर सामान्य रूप सहमति को आरंभ करना। चार, स्वायत्तता, न्याय, मानव प्रतिष्ठा, मानवाधिकार, सामाजिक मान्यता, सामाजिक बुराइयों के निराकरण के विचारों के लिए कुछ प्रकार का निर्देशन करना। पांच, विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां, उदाहरणार्थ विद्रोह, बगावत, सुधार या क्रांति और सेवायोजन की पद्धति जैसे प्रदर्शन, हड़ताल, घेराव, बंद इत्यादि। छह, अस्थिर और अल्पकालिक प्रकृति और सामाजिक आंदोलन के प्रारंभ होने अथवा समाप्त होने के विषय में स्पष्टता का प्रकट न होना, संभवतः विभिन्न कारणों का एकत्रीकरण होने के परिणाम स्वरूप एक सामाजिक आंदोलन का आरंभ हो सकता है, संभवतः कुछ बुराइयां जैसे स्त्री, अस्पृश्यता, दहेज, वन कटाई, बालश्रम, बंधुआ मजदूरी इत्यादि, जो कि विद्यमान परिस्थिति से असंतोष के उत्पन्न होने के एक स्रोत के रूप में कार्य कर सकते हैं। कदाचित लोगों के कुछ प्रभावी समूह वर्ग, उदाहरणार्थ अपराधियों के संगठित समूह, माफिया डॉन इत्यादि हो सकते हैं, जो संभवतः उनका दुरुपयोग अथवा शोषण और अनावश्यक उत्पीड़न के लिए दमन कर सकते हैं। कदाचित कुछ धर्म संप्रदाय हो सकते हैं जो कि अपमानजनक रूप से टिप्पणियां विरोध में कर सकते हैं या कुछ दूसरे धर्मों संप्रदायों का दमन करने का प्रयास कर सकते हैं। सामान्यतः अल्पसंख्यक वर्ग में कदाचित कुछ सिद्धांत हो सकते हैं जो कि प्रजातंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध हो सकते हैं। अत्यधिक व्यापक रूप से समकालीन समाज में नियंत्रण की विचारित पद्धति या व्यापक रूप से स्वीकृत मूल्यों और प्रतिमानों के विरुद्ध संभवतः कुछ प्रबल संस्कृतियां हो सकती हैं जो कुछ दूसरी विभिन्न संस्कृतियों की खुलेआम निंदा कर सकती हैं और उनके मूलभूत अस्तित्व को खतरे में डालने का प्रयास कर सकती हैं। कदाचित एक विशेष धर्म या संस्कृति के अनुयायी हो सकते हैं जो उसकी मौलिक प्रकृति या संस्कृति को बहुत निपुणतापूर्ण ढंग से परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। संभवतः लोगों के सशक्तिकरण या सतत विकास या संस्कृति की पृथक पहचान के संरक्षण, लोगों के बीच एकता और सहानुभूति को बढ़ावा देने और सामाजिक एकीकरण के दृढ़ीकरण या देशभक्ति के अंतर्निवेशन या उनके धर्म के हितों के संरक्षण, जिसे लोग अपने उपयुक्त और गौरवशाली जीवन निर्वाह हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण समझ सकते हैं, से संबंधित सामयिक हित के कुछ मामले हो सकते हैं। तथापि यह हमेशा याद रखना चाहिए कि शिक्षा के प्रसार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी में हुई तीव्र वृद्धि ने विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक आंदोलनों के आविर्भाव को तेज किया है, जो कि शालीनता, सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी सामाजिक आंदोलन अपने प्रतिभागियों को परिस्थिति के सही विश्लेषण और व्याख्या में सक्रियता से कार्यरत रहने हेतु प्रेरित करते हैं। यह किस प्रकार उनके सामान्य सामूहिक हितों को आगे बढ़ाता है या उनका विरोध करता है और उनके सर्वश्रेष्ठ ढंग से आगे बढ़ने के लिए, ताकि जैसा वे इसे दृष्टिगत करते हैं वैसा भविष्य हो सके, किस प्रकार के कार्यों, एक संगठन की स्थापना सहित का उत्तरायित्व लिए जाने की आवश्यकता है। सामाजिक आंदोलन अनिवार्य रूप से सफल नहीं हो सकते हैं, परंतु वह जो इससे संबद्ध होते हैं
वे नियम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ संभावित प्रयास करते हैं। तथापि एक बार जब वे इच्छित परिणाम प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, वे इसे समाप्त कर देते हैं, अन्य आंदोलनों के उद्गमन के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, जो कि कदाचित समाज की विद्यमान आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक हो सकता है। यह निश्चित है कि सामाजिक आंदोलन कायम रहने के लिए जारी रहेंगे जब तक इस प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठन उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे मनुष्यों के उपयुक्त प्रकार के विकास को बढ़ावा देने का आश्वासन दे सकते हैं। सामाजिक आंदोलन संपूर्ण सामाजिक संरचना को मूलभूत रूप से ठीक करने के लिए सक्षम नहीं है और न उसके परंपरागत स्वरूप में कायम रहने के लिए शोषण युक्त के लिए दुर्व्यवहार पूर्ण सामाजिक व्यवस्था से अनुमति देते हैं। तभी जैसा कि टी के ओमेन 1977-16 द्वारा कहा गया है कि सामाजिक आंदोलन प्राचीन और नवीन मूल्यों एवं संरचनाओं के बीच संगम के लिए मंच की व्यवस्था करते हैं। सामाजिक आंदोलन समाज कार्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सामाजिक संरचना में इच्छित परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं, सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन करते हैं और दुर्व्यवहार एवं शोषण का निवारण करते हैं, और ये सभी समाज कार्य के मुख्य कार्य हैं। समाज सुधार। प्रत्येक समाज में सांस्कृतिक पतन कतिपय समय की परिस्थिति के कारण प्रारंभ होता है, विशेष रूप से जिस समय इसके अनुयायी विभिन्न प्रकार की प्रथाओं और परंपराओं के पीछे के मूलभूत उद्देश्यों को भूल जाते हैं। वे विभिन्न संस्कारों और धार्मिक अनुष्ठानों के धार्मिक रूप से अनुपालन को कायम रखते हैं और उनसे संबद्ध रहते हैं, मुख्यतः इसलिए कि उनके पूर्वजों ने इसका निर्वहन किया है। परिणामस्वरूप वे विभिन्न प्रकार के सामाजिक बुराइयों को बढ़ाते हैं जो व्यक्तिगत विकास में रुकावट डालती हैं और प्रभावी सामाजिक क्रिया को अवरुद्ध करती हैं। उदाहरण के लिए भारत में खुली वर्ग व्यवस्था बंद जाति व्यवस्था में अधःपति हो गई है, जो आगे अस्पृश्यता, अदर्शनीयता और यहाँ तक कि अप्राव्यता में बदतर हो गई है। जब सामाजिक बुराइयां का एक बड़े पैमाने पर आविर्भाव प्रारंभ होता है और स्पष्ट रूप से विशाल होता है, कुछ प्रबुद्ध लोग उन्हें एक गंभीर विचार देना आरंभ कर देते हैं और उनसे मुक्ति पाने के लिए साधनों की योजना बनाते हैं, और यह वह परिस्थिति है जब समाज सुधार प्रारंभ होता है। वेबस्टर्स एनसाइक्लोपेडिक अनए ब्रिज्ड डिक्शनरी 1996 206 के अनुसार सुधार शब्द का अभिप्राय है जो भी त्रुटिपूर्ण, भ्रष्ट, असंतोषजनक इत्यादि है, उसमें सुधार या संशोधन। इस प्रकार समाज सुधार का कथन वृहत रूप से अनैतिक, दूषित, भ्रष्ट और त्रुटिपूर्ण कार्यों के उन्मूलन से संबंध रखता है जो मनुष्य और समाज के विकास में बाधा डालते हैं। एम एस गोरे 1987-83 के अनुसार समाज सुधार समझाने बुझाने और जन शिक्षा की प्रक्रियाओं के माध्यम से एक इच्छित दिशा में सामाजिक मनोवृत्तियों, सांस्कृतिक रूप से निर्धारित भूमिका की प्रत्याशाओं और लोगों के व्यवहार के वास्तविक प्रतिमानों में परिवर्तन उत्पन्न करने हेतु एक सुविचारित प्रयत्न को सम्मिलित करता है। यहाँ हम सामाजिक सुधार को समान रुचि रखने वाले लोगों द्वारा बनाए गए सोद्देश्य पूर्वक निर्मित सामूहिक और अहिंसात्मक प्रयासों के रूप में पारिभाषित कर सकते हैं, जो सामान्यतः विश्वास करते हैं और अनुभव करते हैं कि उनके समाज में प्रचलित असंदिग्ध कार्य सामाजिक प्रगति को अवरुद्ध कर रहे हैं और मानव विकास में बाधा डाल रहे हैं, जिसका लक्ष्य संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को मौलिक रूप से पूरी तरह ठीक किए बिना उनका उन्मूलन करना है, जिसे वे आमतौर से संतोषजनक माने हैं। समाज सुधार की प्रमुख विशेषताएं हैं कि अनुचित मानव वृद्धि और सामाजिक एक कुछ सामाजिक बुराइयों की विद्यमानता की समुचित मानव वृद्धि और सामाजिक विकास में बाधा डालते हैं। दो, सामाजिक बुराइयों को कम करने और उन्मूलन करने के लिए लोगों द्वारा सुविचारित सामूहिक और केंद्रित प्रयासों को किया जाना। तीन, समाज में सामान्य रूप से प्रचलित परिस्थिति के साथ पूर्णतया संतोष होना और यह विश्वास बना रहना कि संपूर्ण व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता। चार,
जिन क्षेत्रों में बुरे आचरण विद्यमान हैं, उनमें इच्छित परिवर्तनों को उत्पन्न करने के लिए अहिंसात्मक तरीकों और साधनों की नियुक्ति करना और इस तरह के उपायों के प्रयोग जैसे समझाना, बुझाना, आत्मविवेकीकरण, हृदय परिवर्तन इत्यादि विद्यमान बुराइयों के उन्मूलन के लिए नेतृत्व कर सकते हैं। यहाँ पर समाज सुधार और विद्रोह के बीच समानताओं और विभिन्नताओं को भी समझना उचित होगा। अत्यधिक प्रभावी समानताएं हैं, एक, दोनों के ही मामलों में समाज में विद्यमान परिस्थिति के प्रति असंतोष उल्लेखनीय है। दोनों ही सामाजिक परिस्थितियों में इच्छित परिवर्तनों को उत्पन्न करते या प्रयास करते हैं ताकि मनुष्य और समाज के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। तीन, सुधार और विद्रोह के भी मामले में प्रारंभ करने वाले नेता वैध तरीके से समुदाय के आलसी निष्क्रिय सदस्यों से जागरूक होने की अपील करते हैं और उनके वादों को सम्मिलित करते हैं। चार, दोनों यदि आवश्यकता हो तो हिंसा के साधनों और तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों के बीच जहां तक विभिन्नताओं का संबंध है, तुलनात्मक रूप से अधिक विचारणीय है, एक, समाज सुधारक संपूर्ण परिस्थितियों के साथ कम या अधिक संतुष्ट होते हैं जो समाज में विद्यमान हैं, और उनका असंतोष केवल सामाजिक जीवन के निश्चित विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित रह जाता है। इसके विपरीत विद्रोह के मामले में सामान्यतः विद्यमान सामाजिक संरचना और व्यवस्था तथा मूल्यों के प्रति असंतोष उल्लेखनीय है जो उन्हें विनियमित करता है, और जो लोग नेतृत्व करते हैं वे उन्हें समाप्त करने के लिए लोगों को तैयार और संगठित करना चाहते हैं। दो, जब समाज सुधारक सत्ता तक पहुंचते हैं या उसे प्रभावित करते हैं, वह सामाजिक जीवन के निश्चित क्षेत्रों में जिसे वे अवांछनीय समझते हैं और जो व्यक्तिगत और सामाजिक विकास पर विनाशकारी प्रभाव डालते हैं, इच्छित परिवर्तनों को आरंभ करने के लिए इस प्रकार की नीतियों को विरूपित करते हैं और इस प्रकार के अधिनियम बनाते हैं जो मार्गदर्शन कर सके, क्रांतिकारी मूलभूत रूप से पूरी तरह ठीक करना चाहते हैं और यहाँ तक कि यदि संभव तो समाप्त कर देना चाहते हैं। कुछ मामलों में विद्यमान सामाजिक संरचना और व्यवस्था जिसमें उनके विचार बुनियाद रूप से अपभ्रष्ट हो गए हैं, अनिवार्य रूप से हमेशा रक्तपात के कारण नहीं होते। शर्मा में पिंपले संपादित 1987-23 समाज सुधार का अध्ययन व्यावसायिक समाज कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे लोगों की सामाजिक क्रिया में सुधार करने और सामाजिक संरचना और व्यवस्था में इच्छित परिवर्तनों को प्रारंभ करने से संबंधित होते हैं, और ये दोनों उद्देश्य तब तक प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं जब तक कि समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयां और दूषित एवं अवांछनीय प्रथाएं और व्यवहार विद्यमान बने रहते हैं। सामान्यतः समाज कार्यकर्ता उनके गैर क्रांतिकारी दृष्टिकोण के प्रति विश्वास के कारण समाज में इच्छित परिवर्तनों को प्रारंभ करने को ग्रहण कर सकते हैं। सामाजिक सुधार के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज, सती, पर्दा प्रथा, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के साथ प्रारंभ करके सामाजिक परिवर्तन को उत्पन्न करना चाहते हैं। एक, चार, सामाजिक संजाल नेटवर्क। संजाल सामान्यतः तंतुओं, रेखाओं, शिराओं, उद्धरणों या उसी तरह के किसी जाल के समान संयोजन की ओर संकेत करता है। स्कॉट कूपर एवं कूपर में संपादित 996-795 के शब्दों में एक सामाजिक संजाल व्यक्तियों, समूहों और अन्य सामूहिक गतिविधियों के सामाजिक संबंधों में संयोजन का कोई मुखर प्रतिमान है। इस शब्द की उत्पत्ति को भूतकाल में 1930 के दशक में खोजा जा सकता है जब बहुत से समाज वैज्ञानिकों ने समाज के संदर्भ में संजाल, विन्यास इत्यादि जैसे शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया। बुनियादी रूप से वस्त्रों से लिए गए ये रूपक सामाजिक संबंधों के गुंथे हुए तथा अंतर्ग्रथित प्रकृति और लक्षणों की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किए गए थे, जिसे समाज में लोग अपनी विभिन्न प्रकार की भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के उद्देश्य से स्थापित करने हेतु प्रयत्न करते हैं। ये शब्द प्रारंभिक रूप से मानवशास्त्र में रेडक्लिफ ब्राउन और सामाजिक मनोविज्ञान में जेकब एल
मोरेनो द्वारा प्रयोग किए गए थे। यह मोरेनो थे जिन्होंने एक आरेख की सहायता से एक सामाजिक संजाल को चित्रित करने के विचार को समाजमिति कहकर प्रतिपादित किया था। यह 1950 का दशक था जब सामाजिक जाल की एक सुस्पष्ट कार्य प्रणाली अस्तित्व में आई। यह जॉर्ज हुमैन थे जिन्होंने वर्ष 1951 में संजाल रूपक को सुव्यवस्थित किया। संजाल के विश्लेषण का मूल विचार विभिन्न विषयों के क्रम में और विषयों के प्रतिमान का अंतः संबंध है जो इन दशाओं को गणितीय रूप से संसाधित करके जोड़ सकता है। समाज कार्य में संजाल शब्द रखने वाले ने स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों के एक अंतः संबंध या जाल या विन्यास की ओर संकेत करने के विशिष्ट अर्थ में किया जाता है जो समान उद्देश्यों के लिए प्रयत्न में लगे होते हैं, एक समन्वित और प्रभावी ढंग से साथ साथ कार्य करने के विचार से स्थापित हैं। समकालीन सामाजिक व्यवस्था जिसमें राज्य क्रमिक रूप से सामाजिक क्षेत्र से अलग हो रहा है, यह कार्य मुख्यतः स्वैच्छिक संगठनों के करने के लिए छोड़ रहा है। उनके सदस्यों में कुकुरमुत्ते जैसी वृद्धि हो रही है और एकाकी रूप से उनमें से अधिकांश बहुत कमजोर हैं, और यह अनिवार्य हो जाता है कि सामाजिक संजाल को उनके जालपादों, अस्तित्व और समन्वित क्रियाओं के माध्यम से उनकी प्रभावकारिता में वृद्धि के लिए स्थापित किया जाए। सामाजिक संजाल को महत्वपूर्ण विशेषताएं जो कि समाज कार्य में प्रयोग की जाती हैं, निम्नलिखित प्रकार से हैं। किस समाज कार्य में है? एक, समान रुचि रखने वाले गैर सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठन, समुदाय आधारित संगठन विशिष्ट क्षेत्रों में एक विशेष स्थान में कार्य कर रहे हैं जो कि संभवतः ऐसा सीमित जैसे एक कस्बा, शहर या ऐसा विस्तृत जैसे संपूर्ण विश्व हो सकता है, अपना स्वयं का एक जाल बनाने के लिए साथ साथ आते हैं। दो, ये गैर सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठन, समुदाय आधारित संगठन कुछ भली प्रकार से उल्लिखित मामलों या कार्यों के लिए कार्य करने हेतु सहमत होते हैं। तीन, ये गैर सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठन, समुदाय आधारित संगठन अपने सामान्य हितों के संरक्षण और प्रोन्नति के लिए सामाजिक संजाल स्थापित करते हैं और उसके फलस्वरूप पारस्परिक सुदृढ़ीकरण के माध्यम से उन्हें पुष्ट करते हैं। चार, ये गैर सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठन, समुदाय आधारित संगठन एक सामान्य रूप से सहमति पर आधारित आचार संहिता के प्रति दृढ़ रहने और उनके अनुपालन के लिए सहमत होते हैं। पांच, ये गैर सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठन, समुदाय आधारित संगठन कार्य करने के लिए अपने सामाजिक संजाल को समर्थ करने हेतु एक विधि के गठन के लिए योगदान देते हैं। छह, सामाजिक संजाल सामान्य रूप से पोषण कार्य के विशेष संदर्भ में गैर सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों के सदस्यों के स्वाभाविक हितों के संरक्षण और बढ़ावा देने हेतु एक विविधतापूर्ण व्यापक कार्यक्रमों और गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेते हैं और बहुस्तरीय कार्यों को संपन्न करते हैं। सात, ये गैर सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठन, समुदाय आधारित संगठन सामान्य रूप से विकसित होने और आचार संहिता पर सहमति के प्रति सहमत होते हैं जब वे अपने कार्यों को संपन्न कर रहे होते हैं। इसी प्रकार जब सामाजिक संजाल के दूसरे साझीदारों से या अन्य गैर सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठन, समुदाय आधारित संगठन या सरकारी विभाग या सेवार्थियों या समुदाय के लोगों से संबंध स्थापित कर रहे हों, ये सामाजिक संजाल समाज कार्य के लिए अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि ये आवश्यक संसाधनों को गतिमान करने और स्वस्थ जनमत के निर्माण और लोगों के हितों को बढ़ावा देने, विशेष रूप से समाज के कमजोर और आघात पहुंचाने योग्य वर्गों, सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता देने और सामाजिक बुराइयां जो मानव विकास और लोगों की प्रभावी क्रिया में बाधा डालती है के त्वरित उन्मूलन में सहायता देने के लिए संगठित मंच की व्यवस्था करते हैं। एक अंत सारांश। इस अध्याय में हमने समाज कार्य से संबंधित कुछ मूलभूत अवधारणाओं का अवलोकन किया। हमने दान, स्वैच्छिक क्रिया और श्रमदान के मध्य विभिन्नताओं और समानताओं, यदि कोई हो, की जानकारी प्राप्त की। दान आवश्यकता व्यक्तियों के लिए वस्तु के रूप में या अन्य प्रकार से सहायता उपलब्ध कराने के विषय में संबंध रखता है।
अधिकांश धर्मों ने धार्मिक पुण्य प्राप्त करने के लिए दान के अभ्यास का समर्थन किया है। स्वैच्छिक क्रिया व्यक्तियों द्वारा बदले में किसी ठोस लाभ की अपेक्षा किए बिना दूसरों की परिस्थितियों में सुधार करने हेतु की जाती है। संभवतः यह लगाव और करुणा की स्वाभाविक अनुभूति द्वारा अभिप्रेरित हो सकती है। परंतु आजकल प्रायः हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो स्वैच्छिक क्रिया में लगे होने का दावा करते हैं, वे सामाजिक प्रेरकों से कम निर्देशित होते हैं। श्रमदान उन गतिविधियों को करने जो सामान्य हित में परिणत होंगी के लिए निशुल्क शारीरिक श्रम का योगदान करता है। सामाजिक आंदोलन एक सामान्य समस्या को दूर करने हेतु एक सुस्थिर संस्थागत संरचना के बाहर सामूहिक कार्य है। सामाजिक आंदोलन की अवधारणा से घनिष्ठता से संबंधित है। समाज सुधार, जिसका अर्थ सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन हेतु लोगों के आचरणों में परिवर्तनों को उत्पन्न करना है। आपको यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि एक समाज कार्य व्यावसायिक द्वारा इन शब्दों के प्रयोग के मार्ग में और एक साधारण व्यक्ति द्वारा इनके प्रयोग के मार्ग में पर्याप्त विभिन्नता है। एक विद्यार्थी होने के नाते आपको इन्हें इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए जिस प्रकार इन्हें व्यावसायिकों को प्रयोग करना चाहिए।